एक कुड़ी दे मन विच बचपन तो ही कई ख्याल ते रीझां उभरदियां रहिंदियां ने। जदों उह जवानी विच पैर धरदी है तां आपणे होण वाले जीवन साथी लई लखां सुपने बुणदी है, पर जे उह सुपने पलां विच ही चखणा चूर हो जाण फिर जे उहदियां सारियां रीझां ते पाणी फिर जावे फिर इस गल दा अंदाजा लगाउणा वी मुश्किल है कि वह कुड़ी ते उस दे मापे किहड़े दौर तों गुजरे होणगे। इन्हां सारियां गल्लां नूं स्पष्ट करदी है मेरी सहेली हरमन दी कहानी। 12वीं तों बाद जदों मैं कॉलेज विच दाखला लिया तां मेरा उदों कोई साथी नहीं सी। मेरियां बाकी सहेलियां नालों वक्खरा कोर्स होण करके क्लास विच मेरी अजे किसे नाल वी कोई जाण पहचान नहीं सी होई। मैं जदों क्लास विच बैठी सी तां मेरे बेंच ते ही एक कुड़ी आ के बैठ गई। गलबात कीती तां पता लग्या कि उस दियां सहेलियां भी होर कोर्स विच चलियां गईयां ने ते इस कॉलेज विच उसदी भी कोई साथ नहीं है। कुछ क दिनां विच मैं ते हरमन सहेलियां बन गईयां। साडी दोस्ती दा दूजा साल चल रहा सी ते हरमन नूं अमरीका तों एक पक्के मुंडे दा रिश्ता आया। हरमन घर विच सब तों वड्डी कुड़ी सी, उसदी एक छोटी भैण ते एक छोटा भरा भी सी। हरमन ने अपने घरदिआं नूं कहा कि वह अजे पढ़ना चाहती है तो अजे विआह नहीं करवाना चाहती, पर घर विचों वड्डी कुड़ी होण करके घर दे इह सोच रहे सी कि चल रिश्ता भी चंगा है तो अपनी धी भी जवान है, रिश्ता कर लिया जाए तो चंगी गल है। जे हरमन बाहर चली जाएगी तो छोटे भैण भरा का भी भविख बन जाएगा। उहदे घरदिआं ने हरमन नूं इह गल्लां समझाईआं ते घरदिआं दे कहण ते हरमन उस रिश्ते नूं मन गई। विचोले ने यह कह के रिश्ते ते मोहर लगवा लई कि मुंडे वाले कहिंदे सानूं कोई दाज नहीं चाहीदा, बस बरात की सेवा चंगी तरह होनी चाहीदी है। रिश्ता होण तों 2 महीनों बाद ही विआह की तरीक रख ली गई। विआह तों कुछ दिन पहलां विचोले वल्लों कुड़ी वालियां नूं यह कहा गया कि मुंडे वाले कहिंदे सानूं होर कुछ नहीं चाहीदा, तुसीं बस सोना पा दिओ मुंडे नूं, सस सहुरे नूं ते भैण जीजे नूं। यह गल सुन के कुड़ी दे चाचे ने कहा फिर पिछे की रह गया, सब नालों महंगा तां हुंदा ही सोना है, जे हुण देण लैण वाली गल हो ही गई आ तां असीं अपनी धी नूं सब कुछ देवांगे तां जो लोक भी देखण। कुड़ी वाले शगन विच सारा दाज दा समान भी लै गए, पर मुंडे वाले ने दाज दे समान वाली गड्डी घर वड़न ही नहीं दिती ते कहा यह समान असी नहीं लै सकते, इनू वापस लै जाओ। दरअसल लोग दिखावा करन दी कोशिश हो रही सी, चलो शगन ते तां उन्हां कुछ नहीं लिया ते सारा दाज दा समान घर वापस आ गया। जदों अगला विआह वाला दिन आया तां सारियां रस्मां रिवाज कीते गए, सब कुछ बहुत वधिया चल रहा सी। मूवी वाला सारे कासे दी मूवी बना रहा सी कि मुंडे वाले ने कुछ नहीं दिता लिया ते सादा विआह कीता है। फिर जदों सोना पाउण दी वारी आई ते कुड़ी दी सस ने कुड़ी दी माँ कोलों अपने कन्न विच वालियां पवाउण तों मना कर दिता ते कहा तुसी सारा सोना इदां ही फड़ा दिओ, पाउण दी कोई लोड़ नहीं। ते जदों वी इह लैण देण चल रहा सी तां मुंडे दी माँ ने मूवी वाले नूं मूवी बनाउण लई मना कर दिता ते कहा बंद कर दे मूवी नहीं बनाउणी। सब नूं बहुत अजीब लग्या, पर धी वाले सी ज़्यादा कुछ कह नहीं सी सकदे, इसलिए कौड़ा घुट भर के उन्हां ने उह सारा कुछ सह लिया। दिन लंघदे गए बहुत वधिया तरह, हरमन दा परिवार बहुत खुश सी। कुछ महीनों बाद मुंडा अमरीका वापस चलिया गया ते हरमन गर्भवती हो गई। मुंडे दे बाहर जाण तों बाद हरमन नूं उसदे पेके परिवार वाले पेके घर ले आए कि पहले बच्चे दा जन्म कुड़ी दे पेके घर ही हुंदा है। हरमन भी बहुत खुश सी। फिर कुछ समय बाद हरमन दा घर वाला उस नाल गल करन नूं घट गया ते हरमन दे पुछण ते कहना कि काम बहुत हुंदा, टाइम ही नहीं लगता। हरमन ने गल मन जानी, पहला 4-5 दिन बाद फोन आना,
फिर हौली हौली हफ्ते ते महीनों ते गल आ गई। हुण हरमन सोचां विच पई रहिंदी, उहदा दिल बहुत घबरा रहा सी कि किते कुछ गलत तां नहीं हो रहा। फिर एक दिन रमन के गुआंढियां दे घर उहनां दे मुंडे दा एक दोस्त मिलन आया, ते उदों रमन दी मम्मी भी उहनां दे घर ही सी। उह गुआंढण ने दस्सिया कि इह मुंडे दा भरा भी अमरीका ही रहिंदा है, ते अपनी हरमन दे घर वाले दा किहड़ा शहर है भला। हरमन दी मां ने सारा कुछ दस्सिया ते उस मुंडे नूं कहा कि पता करे हरमन दे घर वाले बारे, जो कि कई महीनों तो हरमन नाल गल नहीं कर रहा। ते इधर हरमन दे सौरा परिवार दा वतीरा भी बहुत बदल गया है, हरमन नाल सीधे मूँह गल ही नहीं करते। जदों उस मुंडे ने अपने भरा कोलों हरमन दे घर वाले बारे पता किया ते हरमन दे परिवार नूं दस्या, तां हरमन दे प्यो दीआं तहां निकल गईआं, क्योंकि उसके घर वाले ने उधर दूजा विआह करवाया होया सी ते उसके दो बच्चे भी सन। हरमन दा ये गल सुन के दुनिया तो विश्वास ही उठ गया कि जदों असी पुछगिछ कीती सी तां सारे पिंड ने कहा सी कि परिवार बहुत वधिया है, ते हुण आ की हो गया। लोकां नूं ये नहीं पता कि किसी की धी की सारी जिंदगी का सवाल हुंदा, उत्थे भी लोग झूठ बोली जांदे। हुण हरमन अपने पेके पिंड ही रह रही सी ते उसने एक बेटे नूं जन्म दिता है। उसका परिवार उसका दूजा विआह करवाउण दी बहुत कोशिश कर रहा है, पर हरमन दा तां हुण किसी इंसान ते भी यकीन करना मुश्किल हो गया है। हरमन दा बाप यह सोच के परेशान है कि जे असी अपनी धी लई चंगे बाहर वाले कामकाजी मुंडे की आस रखी कि साड़ी यही गलती है। एक बाप ने अपनी धी दे विआह दे सारे कार्ज किते, सारियां रीझां पगाईयां, ते बदले च की मिलिया? धोखा, झूठ फरेब। एक गल होर, कदे भी मां बाप कुड़ी जम्मण तो नहीं डरदे, डरदे ने सिर्फ इस घटिया समाज तो, इदां दे धोखेबाज लोकां तो जो कि मापियां दीआं लाडलियां नूं उह दुख दे जांदे ने जो कि धीआं लई ते उहनां दे मापियां लई सहणे मुश्किल हो जांदे ने। सो दोस्तों, उम्मीद है कि इह कहानी तुहानूं पसंद आई होवेगी। इस तरह दीआं कहानियां लई पंजाबी अल्फाज चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो दे नाल। अपना ख्याल रखो, धन्यवाद।